अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत तो रोमांचक हुई थी, लेकिन अंत एक तरफा हुआ। दिल्ली में भारतीय टीम ने वनडे मुकाबले को T20 की तरह खत्म कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि वनडे मैच भला T20 कैसे बना। दरअसल टॉस जीतकर शिखर धवन ने पहले गेंदबाजी चुनी। भारतीय गेंदबाजों ने मैदान में जमकर कहर बरपाया और अफ्रीका के बल्लेबाजों को सेटल होने का कोई भी मौका नहीं दिया और पूरी अफ्रीकी टीम सिर्फ 99 रन के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गई। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। टीम इंडिया के सामने टारगेट छोटा था, लेकिन फिर भी कप्तान शिखर धवन बल्ले से इम्प्रेस करने में नाकाम रहे। वहीं शुभमन ने सदी हुई शुरुआत की और आखिरकार अय्यर और सैमसन ने भारतीय टीम को जीत दिला दी। टीम इंडिया ने 19.1 ओवर में ही अफ्रीका का टारगेट पूरा कर लिया और वनडे सीरीज भी 2-1 से जीत ली। भारतीय टीम ने जिस तरह से अफ्रीका को आखिरी वनडे मैच में मात दी, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भारतीय टीम T20 मुकाबला खेल रही थी। हालांकि युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से पहले टीम में शामिल होने के लिए अपना दावा भी ठोक दिया।